तमाशा है और बेतहाशा है, भीड़ ऐसे लोगों की जिनको सिर्फ जीना है, जो मिले वो पीना है, जी गई तो सीना है, लॉलीपॉप देके जी मुस्कुरा के जीना है। रहे हो तुम? मैं रोनी की तरफ गया था, तुम सोई नहीं अभी तक? बस तुमसे बातें करने का दिल चाह रहा था। ओके, मैं जा रहा हूँ सोने, नींद आ रही है। खाने खाओगे? नहीं, मैं खाकर आया हूँ। कॉफी बना दो। नो थैंक्स, मुझे नींद नहीं आएगी। वैसे इस मेहरबानी की कोई खास वजह? क्यों, तेरे ऊपर पहले कभी मेहरबानी नहीं हुई मेरी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, थोड़ी देर बैठ नहीं सकते मेरे पास? बात कर लो मुझसे। क्या हुआ जेबी, सब खैरियत? बस वैसे ही चिट चैट, ब्रदर सिस्टर। अच्छा बाबा, मैं आता हूँ चेंज करके। अच्छा हाँ, जल्दी यहाँ आना है। आने में बहुत देर कर दी शहजादी। मैं तो सदियों से तुम्हारे पास आने के लिए तैयार। तो फिर तुम आ क्यों नहीं जाते? आखिर मेरे और तुम्हारे दरमियान का फासला है ही कितना। मेरे और तुम्हारे दरमियान ये जो फासला है, ये कई नूरी सालों का है। बस मेरा आना तो मुश्किल है, तुम ही ये दुनिया छोड़कर मेरे पास आ जाओ। नहीं, एक्चुअली मुझे ना बहुत काम है, और जिनकी तकमील में कोई 100 साल लग जाएंगे तो मैं नहीं आ सकती। तुम आ जाओ, मैं तुम्हें टिकट भेज दूंगी। मुझे टिकट की जरूरत नहीं, मुझे एक मुर्दा जिस्म की जरूरत है जिसमें मैं दाखिल होकर तबड़दूस कर सकूं। कौन सी खाली बॉडी? कोई से भी, जिम्मी की, डॉक्टर की, या तुम्हारे भाई की। नहीं सॉरी, भाई का नहीं हो सकता, सॉरी सॉरी। हाँ, जिम्मी और डॉक्टर के बारे में सोचा जा सकता है, मगर फायदा क्या होगा, उनसे तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं ना। अच्छा, एक सवाल है कि ये रूह निकाली कैसे जाएगी? इनमें से किसी को जहर दे दो, इस तरह उनकी रूह निकल जाएगी और उनके जिस्म में मैं घर कर लूंगा। और अगर आने में देर हो गई, सोचो तो मैं तो उनसे भी जाऊंगी ना, वो जैसे भी हैं तो। बहुत ही भोली हो। जी नहीं, मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ। तुम आओ ना और मुझे सजाए मौत हो जाए, मैं तो बेमौत मारी जाऊंगी ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एक रूह का वादा है।
शहजादे कहीं ऐसा ना हो कि तुम ना हो और तुम्हारी याद में मैं ये गाती फिरूं। चल माही वे तेरी रापई तक निया। अरे आप तो बहुत अच्छा गाती है। अब फंक्शन ना पकड़ लेना। एक बात तो बताओ कि क्या फायदा होगा कि उनके बॉडी में से उनकी रूह निकल जाए तो तुम्हारी रूह उसमें दाखिल हो जाए, फायदा मुझे क्या होगा? शक्लें तो उनकी वही रहेंगी। अरे फिर वही बात, तुम हो भोली भाई, पैकिंग एक जैसी होती है लेकिन अंदर का माल जरा डिफरेंट होता है। अच्छा मुए डॉक्टर को तो छोड़ो, उसकी बीवी उसे छोड़ गई है, मगर उस जिम्मी की शान से तो है ना, वो क्यों छोड़ेगा अपनी बीवी को भला बताओ? गुड क्वेश्चन। देखो रूह का कंट्रोल जिस्म पर होता है और मैं कहूंगा तो जिस्म कहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। हाँ मुझे सोचने दो। कोई फायदा नहीं। कुछ कहा तुमने? जिसने जो कहना था वो कह दिया, हम कोई बात दिल में नहीं रखते। ओके तो डील डन। हेलो शहजादे। हेलो जिम्मी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत खराब है उसकी बस। क्या हुआ शांजे को? उसके सर में दर्द है। थोड़ी देर मेरे पास नहीं बैठ सकते? तुम कहो तो सारी जिंदगी तुम्हारे पास बैठ जाऊं। ये तो कोई इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है। वो तो तुम जानती हो मजबूरी क्या है, मजबूरी क्या है? मुझे लगता है कि तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। क्या बात कर रही हो जान? जी चाहता है कि झील की आंखों में डूब के तैरना शुरू कर दूं, लेकिन क्या करूं, स्विमिंग ही नहीं आती। और ये बरगद के दरख्त जैसे घने बालों के साए तले झील चाहता है कि चारपाई डाल के सो जाऊं, लेकिन माली आ जाता है। बस करो जिम्मी, बस करो, क्या मेरी जान लोगे? तो मुझे बोल दे, तो आज मैं बोलूंगा जब तुम पर्वत से ऊंचे पहाड़ पे खड़े होके अपने शरबती लहजे में मुझे ऊंची आवाज में पुकारती हो, जिम्मी जिम्मी। तो मेरा जी चाहता कि मैं उड़ के तुम्हारे पास चलाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा तो हादसा निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है बताओ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे जिस्म में छेद है, मैं क्या करूं, मेरी हवा निकल जाती है और मैं धम से गिर जाता हूं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे सारे छेद भी बंद हो जाएंगे और तुम उड़कर मेरे पास भी आ सकोगे। हाँ ठीक है जेबी, ठीक है, काश काश ऐसा हो जाए, काश। ऐसे ही होगा क्योंकि मैंने तय कर लिया है। तुमने तय करके कहाँ रखा है? अलमारी में। वही फजूल बातें तुम्हारी। ओहो मुझे मुझे कोई उसकी दवाई लेनी थी, क्या दवाई का नाम था? ओ हाँ याद आ गया, यू नो बाबे। यस हाँ बाय। यूहू कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन रात के इस टाइम पर आकर मेरी खैरियत मालूम करने का मकसद? मैंने सुना था आपकी तबीयत नासाज है। यकीनन डॉक्टर साहब ने बताया होगा। नहीं डॉक्टर साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, वो तो अपने कमरे में सो रहे हैं। ओफो मैं डॉक्टर शायद मसूद साहब की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो ही हैं जिस तरह की बेसलेस और खौफनाक खबरें फैलाते हैं। हाँ उनकी खबरों में सच्चाई से ज्यादा दबरदोश होता है, मगर ये खबर सच पे मबनी है। If you don't mind, तो इस खबर की सोर्स जान सकती हूँ? इस खबर की वाहिद सोर्स और कोई नहीं, जिम्मी द ग्रेट है, जो आपके लिए केमिस्ट से दवाई लेने गया है। जिम्मी केमिस्ट के पास गया? जिम्मी? अरे भाई बाथरूम में तो... आप रात के इस पहर हमारे रूम में खैरियत? जिम्मी तो तुम तो कह रहे थे कि ना शांजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम उसके लिए दवा लेने के लिए केमिस्ट के पास जा रहे हो। जिम्मी जी लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कमरे में हूँ, मैं वॉशरूम गया था। हाँ शांजी के साथ हूँ।
मगर ऐसा कैसे हो सकता है? जेबी, ऐसा ही है क्योंकि इस बार जिमी सच बोल रहा है। एंड प्लीज इतनी रात को आकर अपने ही दिमाग से कोई बात बना के हमें इरिटेट मत करो। मगर इसने ना मुझसे बहुत सी और बातें भी की थी, बताओ ना। शरबत, पर्वत, बर्गर और वो छेद, बोलो बोलो। छेद? अब ये क्या है जिमी? ये इशारे, ये क्या सुन रही हूँ मैं? नहीं, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसने मुझसे और क्या बातें की थी। बोल। मुझे क्या पता? ये आधी रात को तुम इस तरह के इशारे करने के लिए यहाँ आई हो? नहीं नहीं, ये इशारे हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि बाकी कौन सी बातें इसने की है मुझसे। मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब है तो आपको आराम की जरूरत है। आराम करें। हो सकता है इनको आराम की जरूरत ना हो, लेकिन मुझे आराम की जरूरत तो मैं चली जाती हूँ। वैसे मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि इस वक्त मैं आपके कमरे में घुस के। नहीं, वो क्या, मैं जानती नहीं। नहीं नहीं, नहीं वो क्या। हाँ हाँ, या या या, ये मुझे, इसे तो मैं देख लूंगी। जेबी बेचारी को क्या हो गया? बैगी बैगी बातें कर रही है। जेबी को कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें हो गया है कुछ। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रही है। झूठ झूठ बोल रही है। अच्छा, वो क्यों झूठ बोलेगी? वैसे definitely तुमने उसे ये सब कुछ कहा होगा, तभी वो कह रही है। कब 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 क्या कहा होगा यार? मतलब मैं तो तुम्हारे पास था, तुम्हारे साथ बैठा हुआ था, फिर मैं वॉशरूम गया। किस वक्त मेरी उससे इतनी लंबी बात हुई होगी? याद आया मुझे, जब मैं वॉशरूम गई थी होना, और definitely उसी वक्त तुम गए थे बाहर। शान्ति, खुदा का खौफ करो, जितनी देर में तुम वॉशरूम से बाहर आई हो उतनी देर में मैं सीढ़ियों तक गया हूँ मैक्सिमम। मतलब मैं इतना लंबा फसाना कैसे कह दूंगा उससे? उफ, मुझे नहीं पता जिमी, वो क्या था सब कुछ, पर्वत, घर पर शरबत एंड ऑल दैट नॉनसेंस। और तुम एक गाना भी गाते हो, वो पर्वत रिलेटेड कौन सा सॉन्ग है? पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, लेकिन इसमें छेद कहाँ है? छेद कहाँ है इसमें? छेद तो तुम मेरे दिमाग में कर रहे हो। एक बात तो तुम सुन लो। क्या? अब मैं तुम्हारी बकवास बातों में नहीं आने वाली, समझ में आ रही बात? इजी इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। जानू, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ चाहता हूँ। I love you, baby. I love you. Oh, जिमी, निकलो तो मेरे कमरे से बाहर। ये तमाम बकवास ना बाहर जाके कर लेना। और एक बात तुम कान खोल के सुनो, मुझे कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं है। And I hate you. और रोल अप लग गया। जान, देखो, तुम मुझसे बेशक नफरत करती रहो, मुझसे मुझे गालियां देती रहो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा लाइफ में कोई नहीं है। याद है, याद है जब मैंने तुम्हारे अब्बा से रिश्ते की बात की थी और उन्होंने इनकार किया था, तो मैंने क्या किया था? क्या किया था? दूसरी लड़की की तलाश। क्या? दूसरी लड़की की तलाश? नहीं नहीं की थी, नहीं की थी। पूरी बात तो सुना करो। नहीं की थी दूसरी लड़की की तलाश मैंने। जेबी जी, कैसी हैं आप? मैं, I am fine, thank you. डॉक्टर साहब, आप इस वक्त? जी जी, इस वक्त मैं, उस वक्त भी मैं, हर वक्त मैं ही होता हूँ। मैं वक्त के साथ बदलता नहीं हूँ। अजीब इत्तेफाक है डॉक्टर साहब कि हर वक्त में आप ही होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि आपने कभी पूर्णमासी की आधी रात को पूरा चांद निकलते देखा है? जी नहीं, मैंने भी नहीं देखा। ये है हुस्न इत्तेफाक। अच्छा, कभी आपने दो लोगों को बिछड़ते हुए देखा है? जी नहीं, मैंने देखा है। ये है तर्क इत्तेफाक। अच्छा, ये बताइए कि कभी आपने दो लोगों को मिलते हुए देखा है? जी नहीं, हम देखेंगे। इसे कहते हैं बाहमी इत्तेफाक। क्या ऐसा मुमकिन है? Of course, क्यों नहीं हो सकता, मगर आपको इसके लिए कुछ डोनेशन देना पड़ेगा। मेरी सारी जमा पूंजी तो मेरी बीवी लूट के ले गई है, अब मैं सिर्फ गुर्दा डोनेट कर सकता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, गुर्दा नहीं, गुर्दा नहीं, कुछ और। बाबा, अपनी जान दे सकता हूँ मैं? वो कहते हैं कोई करता नहीं है वैसे। नहीं नहीं, आपने देखा नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, ऐसे सरपरे हैं दुनिया में। हाय, तो आप तैयार हैं फिर? किस काम के लिए? जान देने के लिए। कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मुझे जानती हैं? देखें, साइंस ने तरक्की जरूर की है, लेकिन इतनी नहीं की। डॉक्टर साहब। कौन डॉक्टर? ओ,
डॉक्टर अभी क्लिनिक बंद करके गया है, मैं तो नंबर लेके बैठा हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए, आप भी बैठिए। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। इसे कहते हैं शदीद इंतफा। दो घंटे से बैठा है, मैं मजे की बातें कर रहा है, कसम से बहुत मजा आ रहा है। सच्ची सच्ची बताओ, जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है कि दो घंटे भी ये कहीं नहीं गया? नहीं, बताया तो है दो घंटे से यहीं बैठा है, हुआ क्या है? अब उन्हें उठने नहीं दिया होगा ना? नहीं भाई, तुम भी आके बैठो ना। जी आए ना, बैठे गपशप करते हैं, मजा आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, चाय पियेंगे आप? शर्त यह है कि चाय मैं खुद बनाऊं। आप तो डॉक्टर है ना? डॉक्टर? हाँ, आप डॉक्टर हैं? कौन डॉक्टर? नो, मैं शेफ हूँ, शेफ। चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, कोयटा में मैंने ड्यूटी की। क्यों क्यों कर ली मैंने शादी? अरे जिमी भाई, क्या बात है, बहुत उदास बैठे हैं आप। सर क्या करूं, सर क्या करूं, मैं इस नतीजे में पहुंचाऊं कि ये औरतें जो होती है ना, ये अजाब होती है, अजाब अजाब, हिटलर। ओ भाई, मुझे बता रहे हो, जब ही भुगत के बैठा है, सारी जिंदगी की कमाई लेकर भाग गई। आपकी वाली तो भाग गई ना, मेरी वाली तो भाग ही नहीं रही, हालांकि मैं मौके दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाग जा, खुश खुश खुश। अपनी घुटनों में कौन सा मसला कि भाग नहीं रही, दिमाग का दही बना दिया उससे मेरा। हिटलर है हिटलर, जान को हिटलर हो गई है। अभी पूरे एक घंटे उससे बहस की है मुझे, मेरे सीने में जलन हो रही है उससे बहस कर करके। सीने में जलन हो रही है तो एक गिलास दूध पी लो, फ्रिज में पड़ा है। सर मैं डब्बे का दूध नहीं पीता, सिंपल। अरे भाई, ये डब्बे का दूध नहीं है, हमारी अपनी भैंसे हैं 40। सही कह रहे हैं, इसकी दवाई का टाइप हो गया, कंफर्म है इसके पास दूध है। वो दूध है मेरी जान, तुम क्या समझते हो इस घर को? सर ये तो लस्सी है। अबे लस्सी नहीं है भाई, लस्सी सर हमें। और भाई ये असली दूध है, बैठ के पियो, शाबाश, ठीक हो जाओगे। हमें आपकी दवाई का टाइम हो गया सर। आपकी दवाई का टाइम हो गया है? हाँ लेता हूँ यार अभी। मुझे वहां अकेला छोड़ के तुम यहाँ मजे से बैठे हुए हो? मजे कर रहा हूँ मैं, खुदा के वास्ते जान बख्शो, अल्लाह के वास्ते जान बख्शो, तुम्हारी बातों की वजह से मुझे जलन हो रही है सीने में, इसे दूध पीने की कोशिश करो। दूध भी नहीं है ये तो चूना है। मैं बस कर दूं या तुम बस कर दो? अकेले रहने के लिए मैंने शादी नहीं की थी, ऊपर चलो जल्दी। ओके ओके, आ रहा हूँ, अगर अभी तक जी नहीं भरा तो आ रहा हूं। जिमी भाई, दो सौ पी लो भाई। ओ जिमी, बस नसीब आपको। गरम चाय की प्याली हो, डॉक्टर ने बनाई हो, ला 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 ला। क्या पूछ रही हो? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चाय बनाने गए ना। वो डॉक्टर है, बावर्ची नहीं है। पोछा ना लगवाया तो मेरा नाम बदल देना। सच सच बताओ, ये डॉक्टर दो घंटे तुम्हारे पास बैठे रहे? बताया तो है दो घंटे से यहीं था, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ओहो,
हेलो डॉक्टर गायब, कहाँ गायब हैं आजकल आप? अरे आप तो गायब ना कहा करें, आपकी नजरों के सामने रहते हैं। इधर टिम्मी ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा तो चाय बनाने आ गया मैं। गुड, इसका मतलब है आप चाय अच्छी बनाते होंगे। मेरी चाय के चर्चे तो दूर दूर तक हैं। एक दफा कोयटा वाले मुझे उठा के ले गए थे चाय बनाने के लिए, मैंने अपने बाप का इलाज करवाने के लिए। बीमार था कुछ। अरे ये दूध का ग्लास क्या आपने रखा है? नहीं, जिम्मी ने पीने के लिए निकाला था, बस एक ड्रोन हमला हुआ उन पे और वो भागता हुआ सीढ़ियां चढ़ गए। ओह अच्छा, वो डॉक्टर साहब जी जी वो एक बात है, ये जो शांजे है ना जी जी, ये बिल्कुल इस काबिल नहीं थी कि इतने प्यारे लड़के से इसकी शादी होती। चलिए आप चाय बनाएं, तो हम चलते हैं। चाय नहीं पियेंगे आप? नो। ओके ओके ओके, लीजिए जनाब चाय तैयार। और ओए ये जिमी ने दूध नहीं पिया, इसका क्या करें, जाया हो जाएगा। डॉक्टर बस सूत ले तू दूध। ये फायदा है इस घर में। आराम से, पता है क्या हुआ? मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा मिशन कामयाब हो गया, तुमने एक शरीर खाली कर दिया। मगर मेरे जमीर पे बहुत बोझ है। अरे मोहब्बत और जंग में सब जायज। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेकरार हूँ। इतनी बेकरारी भी अच्छी नहीं है, कहीं लाश ठंडी ना हो जाए। दफनाने से पहले मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो हम अपने मिलन की तैयारी करते हैं। जेबी, जेबी। अरे क्या हुआ? क्यों क्यों परेशान हो रहे हो? डॉक्टर साहब को कुछ हो गया है, चल के देखो जल्दी से। डॉक्टर साहब को कुछ हो गया है? अरे डॉक्टर साहब को कुछ हो गया है, चलो जल्दी से चलो। अभी इनको क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर? क्या हो गया डॉक्टर को? क्यों तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? बड़ी घनी हो। आंखें खोलें डॉक्टर, आंखें खोलें। इतनी जल्दी भी क्या है, खुलवाते हैं आंखें, खुलवाते हैं। टिम्मी तुम बताओ क्या हुआ है? अगर तुम कहो तो मैं बता दूं। नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं? ओए मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जो सामने पड़ा है वो कैसे नहीं हो सकता? He is dead. He is no more baby. No more क्यों कह रहे हो? डॉक्टर ने डूमोर कहने को कहा था। जेबी तुम पागल हो गई हो। ऐसी सिचुएशन नहीं तो मैं हो जाऊंगी पागल। जल्दी जल्दी जल्दी। किस बात की जल्दी? मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ। क्या डॉक्टर से कह रही हो? हाँ, डॉक्टर वो फौत हो गया है डॉक्टर, वो सुन नहीं सकता। He is no more. He is no more. अगले जहाज से? नहीं नहीं, अपने ससुराल से, कुरंगी से। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह है, जैसे मंजिलें अपनी जगह पे हैं, रास्ते अपनी जगह पे हैं, मेरा सवाल अपनी जगह पे, डॉक्टर कैसे मर गया बताओ तो। वो भाई जब वो मरा तो उसके हाथ में दूध का ग्लास था। यानी कि दूध का ग्लास पकड़ने से मरा है? ओहो जिम्मी, इसने दूध का ग्लास हाथ में पकड़ने के बाद पिया भी तो है ना। इसका मतलब है ग्लास पकड़ने से पीने के दरमियान कुछ हुआ है शांसी, कसम से। मसला हल नहीं हो रहा तो बता दूं? नहीं नहीं। चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से बोलो। नहीं जिम्मी, मैंने आपसे नहीं कहा। ओह माय गॉड,
वो दूध तो मैं पीने वाला था। क्या? वो दूध तुम पीने वाले थे? हाँ शादे, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया। किस चीज के लिए? वो एक्चुअली मैं दूध बिल्कुल पीने ही वाला था कि तुमने गुस्से से आवाज दी, और तुमने गुस्से से आवाज दी तो मैंने दूध यहाँ छोड़ दिया। अगर मैं दूध यहाँ नहीं छोड़ता तो आज डॉक्टर की जगह मैं लेटा होता, कसम से। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। ये अपने अपने मुकद्दर की बात होती है। कह रहे डॉक्टर साहब, आपको डरने की क्या जरूरत है? शांजी, इससे पहले कि डॉक्टर साहब के अंदर का जानवर वैशी हो जाए, जो कि हो गया है, हम लोग चलते हैं। जाना तो आपका भी बनता है। अरे कहाँ जा रही हूँ बारो? जाना तो मेरा। जिमी, मैं समझूं डॉक्टर साहब और देवी किधर है? अरे भाई सुबह से गायब है दोनों। दोनों? दो दो हाँ। लोग आ गए। देवी जी क्या है? आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि डॉक्टर साहब और मैंने कोर्ट में जाके यानी शादी कर ली। क्या? क्या? What क्या? What मतलब यही कि बड़ी खुशी की खबर है, लेकिन आप दोनों हमें इन्फॉर्म तो करते, बड़ी धूमधाम से आपकी शादी करवाते हम। लो हमने सोचा सारी रस्में हो जाने के बाद हम खुद ही खुशियाँ मना लेंगे। कोई ऐसा भी करता है अपनों से? अपनों से क्या मतलब है आपका? मेरे हस्बैंड। और मैं? शांजे का हस्बैंड। चलो सिबी, एक बार वो आवाज निकाल दो। वेरी गुड, दमक रहे इनको। आइए जरा चलते हैं। Thank you. आप तक पहुंचने के लिए मैंने सदियों का सफर तय किया है। क्यों? क्या पैदल आए हैं? क्योंकि पूरी दुनिया का सफर दो दिन में तय हो जाता है। मेरी दुनिया कोई और है। अब अगर इजाजत हो तो आपका रुख रोशन देख सकूं। जी नहीं, मैं आपके घूंघट को हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि हमारे वहां मना है, इस पे कैद हो जाती है 6 साल की। हैं? अच्छा, इजाजत है। उठाइए घूंघट। वाह, थोड़ी छोड़िए, नहीं गिरती। वाह, खुद को डॉक्टर की पैकिंग में कैद करके आपको देखा तो आप तो और भी नमकीन बल्कि हसीन हो गई हैं। लगता है कुदरत ने आपको किसी खास मटेरियल से बनाया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी आंखें खोल दूं। कोशिश कीजिए बंद आंखों से ही देखें मुझे। आप नजर नहीं आ रहा। ओके, खुलिए आंखें। 1, 2, 3 पूछो तुम्हें। अरे 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 डरिए नहीं, ये हॉरर मूवी देख रही थी, सही है ना? और ये उस ट्रांस में चली थी, ट्रांस में, सही है ना? एक काम करो, खाफ से निकलो, खाफ से रिलैक्स, सांस लो। डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, हॉरर मूवी थी, हॉरर मूवी थी, रिलैक्स। हां मैम, डरता नहीं। हां डरते नहीं। वेरी गुड जिमी, वेरी गुड, वेरी गुड।